हम लोगों ने कल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन को पढ़ा था, ठीक है। मैंने आप लोगों को लोकसभा की इलेक्शन कैसे होती है और इनका गठबंधन कैसे हुआ, 1990s की क्या बात हुई थी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है ना। कल हमारा एग्जैक्ट जो पॉइंट था दैट वाज इलेक्शन, और मैंने इलेक्शन को लेकर आपको काफी एक क्लैरिटी विजन भी दे दिया कि व्हाट इज एन इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होती है और उसके कितने मेंबर्स होते हैं और वो कौन से आर्टिकल्स में आप इलेक्शन पढ़ने वाले हो, तो वो भी मैंने आपको एक क्लियरली बता दिया कि दिस इज इलेक्शन और आपके कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा की इलेक्शन के, राज्यसभा की होती है नहीं होती है, लोकसभा की इलेक्शन कैसे होती है ना। दिस इज अनदर सेलियंट फीचर इज कॉल्ड एज जुडिशियरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहां से जो हमारे न्यू लॉज बने हैं ना, ये यहां से आप लोगों को समझ में आएगा कि जो जो चीज कोर्ट्स को, जो भी मैटर्स हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो भी सेक्शंस है पार्लियामेंट की तरफ से, जो भी सेक्शंस आए हैं, ठीक है, अब उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है, ये फर्स्ट बात है, अगर उनको करना है तो। सेकेंड चीज, जहां जहां आपको इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जहां जहां आपको लग रहा है कि इस इंटरप्रिटेशन को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट हैज दैट पावर कि उस सेक्शन हो या उस लॉ की इंटरप्रिटेशन को वो करते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज दैट पावर टू इंटरप्रेट द लॉ इन फ्रंट ऑफ योर, ठीक है, जुडिशरी के पास वो एक पावर है, तो डरो मत आप, ठीक है। अब जो हो चुका है उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट जो होने वाला है उन चीजों को ध्यान पे रखते हुए हम ये कर सकते हैं, ओके। नाउ अ नोटेबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट अकॉर्ड्स अ डिग्निफाइड एंड क्रूशियल पोजीशन टू द जुडिशरी। अ वेल ऑर्डर्ड, अ वेल रेगुलेटेड जुडिशियली मशीनरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विद द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स। नाउ व्हाट इज एन एपेक्स कोर्ट, ये एपेक्स कोर्ट कौन सा कोर्ट है? दिस एपेक्स कोर्ट इज ओनली कॉल्ड एज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये वो ही सुप्रीम कोर्ट है जिसे हम लोग एपेक्स कोर्ट कहते हैं। और पहले जब ब्रिटिशर्स थे तो इसे आपने सुना होगा फेडरल कोर्ट, सुना होगा आपके कानों पे कभी तो भी आया होगा फेडरल कोर्ट, वो फेडरल कब था और वो सुप्रीम कोर्ट कैसे हुआ, पहले वो कहाँ था फिर वो कहाँ गया। यस, एपेलेट कोर्ट इज एपेक्स कोर्ट इज इक्वल्स टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आप जो ये सुप्रीम कोर्ट की चीजें हैं जिसे हम हाईएस्ट कोर्ट कहते हैं, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसे नोबल फीचर कहा गया है, सबसे उच्च इसका दर्जा दिया गया है, ठीक है। इट्स अ नोबल फीचर जो आपको जुडिशरी की क्रूशियल पोजीशन को डिग्निफाइड वे से बता रहा है, ठीक है। ये वेल ऑर्डर्ड है, वेल रेगुलेटेड है और जुडिशियल मशीनरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है सुप्रीम कोर्ट। अब देखो आपको मैं बता दूं कि जैसे हमारी जो इवेंट्स थे है ना, जो ये सुप्रीम कोर्ट का अगर ज्यूरिसडिक्शन की बात कहूं तो इट इज वेरी वेरी ब्रॉड। ज्यूरिसडिक्शन को सिर्फ हम वही नहीं समझ सकते हैं कि जो मैटर ट्रायल कोर्ट ने सुना फिर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, इट इज वाइड टू बी डिस्कस इन अ डिटेल। ये सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कैसी है, रिट पिटीशन की ज्यूरिसडिक्शन कैसे आती है, PIL जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ज्यूरिसडिक्शन इन जुडिशरीज आपके पास कैसे आती है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो आपने देखा रहेगा कि जो ब्रिटिशर्स थे ऑफ कोर्स इट्स माय प्लेजर एंड आई वुड ऑल्सो टेक दी ओपिनियंस फ्रॉम ईच वन ऑफ यू आफ्टर आई कंप्लीट दिस ना, यू ऑल कैन मेक एन ओपिनियन ऑफ योर्स, ओके, एंड इट्स ऑल माई प्लेजर सर। चलो नाउ, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा ना कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोगों को बता के आई मैं, है ना, जो ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे तो तब क्या हमारे पास सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्या, या सुप्रीम कोर्ट उस बारे में नहीं सोच रही थी क्या भाई ये है या वो है? तो जब सुप्रीम कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो जीत गई तो वहां पर जो फ्रेंच का रूलिंग चल रहा था तो उनको उन्होंने कहा कि अब इसको खत्म किया जाए, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स पीरियड आ गया तो जो फ्रेंच की फोर्सेस थी जो लड़ाइयां कर रही थी वहां पर बैठ के, वहां के उसका क्या नाम है वो, व्हाट इज हिज नेम, कौन था वो फ्रेंच वाला, सिराज नाम सिराजुद्दौला था ना, क्या नाम था उनका, सिराज उद्दुला समथिंग उनका ऐसा नाम था। हाँ, जिन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनके ऊपर जीतने के बाद में जो फ्रेंच जो वहां पर थे
तो उनसे कहा गया कि जो अपनी फोर्सेस है चलो लेके और यहां से निकलो, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हो रही थी तभी, तो उस समय की बात है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है जिसे हम एपेक्स कोर्ट यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये एपेक्स कोर्ट बना कहाँ से, है ना, ये कहाँ से आई, ये पहले कहाँ लोकेटेड था, इसकी लोकेशन पहले कहाँ थी, उसके बाद ये दिल्ली में कैसे शिफ्ट हुआ, पहले तो ये दिल्ली में था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट इन दिल्ली। कलकत्ता यस, फर्स्ट वो एक्चुअली कलकत्ता में फेडरल कोर्ट था, ठीक है, ये बात तो आप मानते हैं ना कि कलकत्ता में जो कोर्ट था वो फेडरल कोर्ट था, वॉज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट, आई अग्री। हाँ, आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे बोल रही हो तुम, मैं मानती हूँ ये बात कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, वहां से वो शिफ्ट होके हमारा दिल्ली के अंदर आया, तो वो एपेक्स कोर्ट बना, ठीक है, द हाइएस्ट कोर्ट जो है इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आप लोगों को ये समझना है कि जो अब आपको पता है वो बैटल ऑफ प्लाजी, उसके बारे में ऑलरेडी मैं हिस्ट्री में बहुत सारा डिस्कस भी कर चुकी हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, जो फंडामेंटल राइट्स है, अब जो दीवानी राइट्स थे उसके अंदर वो क्या थे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो अभी देखो ये भी पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस समय जो कोर्ट्स बने, तो वहां पर सिविल केसेस के मैटर्स भी चलने लगे, उनको पता चला कि भाई सिविल भी कुछ होता है, सिविल केसेस भी होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें भी होती है, ओके। तो ये जब कब हुआ, जब विक्ट्री आई बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर, दिस हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। तो अब हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं ना, दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कब से है, ये कब से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, ये जो एफिशिएंट सिस्टम है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का, आज हम सुन रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, पर ये तो युगों से चलते हुए आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, अभी से तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को अभी पता चला है जब ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, और जो हम लोगों के लॉज चेंज हो गए हैं उसके बाद हमें समझ में आया कि दिस इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड्स व्हिच इज फ्रंट ऑफ अस, करेक्ट बात है, हाँ हाँ या नहीं, कलंदर साहब मुझे बताओ यस कौन था फर्स्ट, बिल्कुल हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, चलो मुझे ये बताओ हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, कौन थे, वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स हास्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। उन्होंने जुडिशियली प्लान किया था ना 1772 के अंदर, ये जो जुडिशियरी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो इंट्रोडक्शन आप देख रहे हो इस सुप्रीम कोर्ट को, वेरी ब्रॉडली हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो हु इंट्रोड्यूस, हु वॉज द जुडिशियल प्लानर, हु वॉज द जुडिशियल प्लानर, क्या नाम था उनका, मैक्यूले हाँ मैक्यूले। तो लीगल रिफॉर्मेशन प्लान लेके आए जुडिशियल प्लान के अंदर, कब लेके आते, 1772 में, इट्स 1772, है ना, तो वो तभी से चल रहा है ना ये जुडिशरी सिस्टम, तभी तो हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं क्या जुडिशरी यस सिस्टम को लेकर, हम लोग अभी थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो वैरन हेस्टिंग्स ने जो जुडिशरी सिस्टम के ऊपर यूनिफॉर्म जुडिशियल प्लान लेके आए थे, जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जुरिस्डिक्शन कोर्ट ऑफ एन अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट, ये जो जुरिस्डिक्शन की बात बताई थी जनरली, ये जनरल जो बात यहाँ पे, एबिटर इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड एंजॉयज ऑल द एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन, यानी जिधर जिसकी चलती नहीं, जहां पर आप लोगों को लॉ में कंफ्यूजन है, हाँ, जहां पर ऐसा कुछ केस आ जाए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि समझो एक 138 का केस है, ठीक है, वहां से एक जजमेंट आ जाती है, वो चीजें चेंज हो जाती है, यानी कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी लॉ के ऊपर डिस्टर्बेंस है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द वन टू जज, सुप्रीम कोर्ट ही तो है वहां पर आपको बताने के लिए। यू हैव सीन ड्यूरिंग द सुप्रीम कोर्ट के सेशन में, आपने देखा होगा कि जजेस कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कैसे अपनी ओपिनियंस को फॉर्म करते हैं, आज आपको अपनी ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कितना लग रहा है कि काश हमने वो ओपिनियन फॉर्म करती होती तो आज हम यहाँ नहीं होते, तो इट वॉज मैटर ऑफ राइट, हमारा फंडामेंटल राइट था। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा, आप जो बोल रहे हो ना आपको मौका नहीं मिला, तो मैं आपकी रेस्पेक्ट करते हुए बोलती हूँ, कितनी सारी पीआईएल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या सुप्रीम कोर्ट उन चीजों को एंटरटेन कर रही थी क्या तभी, नहीं ना, उन्होंने क्या नो कहा, मैम, नो मैम, जब तक लॉस इंट्रोड्यूस सबको नहीं होते रिजेक्ट कर हमें, दिया। हाँ करेक्ट है ना, तो यस इस बात का ना प्लीज दुख मत कीजिए, डोंट यस फील बैड अबाउट इट दैट यू डिड नॉट गेट, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, यू ट्राइड ऑल्सो बट दैट डिड नॉट कम इन टू योर फेवर, ऐसे हो गया, तो ये बात को ऐसे लीजिए आप, ठीक है। नो इट वॉज जस्ट अ कैजुअल बात, मुझे ये सब आपको लाइट करने के लिए मैंने एक बात कही आपसे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू जुडिशरी, नाउ जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने ये देखा कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो था वो कलकत्ता के अंदर था, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था, ठीक है। उसके बाद में जो वहां पर कौन कौन बैठता था, कलकत्ता के अंदर कितने जजेस बैठते थे, कितने जजेस बैठते थे, चलो मैं ही बता देती हूँ, एक सीजीआई साहब बैठता था, ठीक है, और दूसरे उनके साथ में तीन
तीन तीन तीन जजेस बैठते थे, अदर टोटल जजेस पांच बैठते होते थे, थे। पांच होते थे टोटल। हाँ ठीक है, तो 3+1 एक्चुअली ऐसे था, पर पांच बाद में हुआ बेटा, जस्ट अ ओके मिनट। हाँ जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, ओके क्लियर। मैं आपको बताती हूँ कब क्या हुआ और कितने सीजीआई कैसे बैठे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनके क्या पावर्स है, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। नाउ हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 जो ब्रिटिशर्स की एक्ट है, जैसे उस समय जो था वो फेडरल कोर्ट था। हम मैंने आपको हमेशा बताया कि हमारी जो अडॉप्शन हुई है ना वो 1935 से हुई है, ठीक है। हमारी जो चीजें आई है वो कॉपी पेस्टेड नहीं कहूंगी बट एडिटिंग कहूंगी 1935 का है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला जाता था, उस समय फेडरल कोर्ट बोला जाता था, ठीक है। और वो फेडरल कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट बने तो उसमें जब आपको पता है, मैंने आपको बताया कि वन सीजी एंड जो जजेस बैठते थे, तो ये जो बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है जो मैंने अभी आपसे कही, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस जो है वो फेडरल कोर्ट होता था, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट बन गया। ऐसे मैं सोचू चलेगा? हाँ इज इट ओके, करेक्ट यस मैम, है ना? आई होप आई यस एम मैम, नॉट गोइंग एक्सट्रीम हियर एंड देयर, है ना? नो मैम। ठीक है, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात कहती हूँ तो हमारा इंडिपेंडेंस कब आया था, हमें 1947 कौन सी डेट थी? 15 अगस्त 15 अगस्त 1947। उसके बाद हमें और भी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन आया। आया, तो ये आप देख रहे हो ना नहीं जुडिशरी। हाँ, मैम, पार्ट वाइज हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ पार्ट तो वाइज, पार्ट वाइज हुआ था ना। यस हाँ जी, यस वही बताने की कोशिश कर रही हूँ हाँ, यहाँ कुछ पर। नवंबर में हो गए थे और कुछ जनवरी में हुआ। यस यस, पहला कुछ पार्ट नवंबर में आया, दूसरा जो पार्ट आया वो जनवरी में आया। ये आप लोगों को प्री पॉइंट ऑफ व्यू से राइट भी पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ब्रीफ अप कर दिया ना। अगर मैं कहूं कि जो इनोग्रेशन डेट है सुप्रीम कोर्ट की वो कब राइट की है, मैं आपको ये भी बता रही हूं, 1885 में शायद। सुप्रीम कोर्ट की इनोग्रेशन डेट क्या है बेटा, 28 जनवरी 1950। ओके ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की ईयर कौन सा था? मैम 26 ना, ट्वेंटी मैम 26, नो ट्वेंटी नो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट 28 नो 28 जनवरी 19, ऐसे ही है ना, 28 जनवरी 1950 आई गेस आई थिंक ट्वेंटी इनोग्रेशन था सिक्स सुप्रीम कोर्ट का। मे बी ट्वेंटी नो फोर नो जनवरी नॉट का मे मैम, बी, इट इज 100% 28 24 ऑफ 24 जनवरी मैम 1950। 24 28 जनवरी 1950। कैन यू 28 कंफर्म मैडम? जनवरी नाइनटीन मैडम फिफ्टी सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, द यस फॉर्मेशन ऑफ मैम सुप्रीम ट्वेंटी कोर्ट, सिक्स है, कैन यू कंफर्म द ईयर? दिस इज मैम आवर चेक। 26 है मैम, 26 जनवरी। 26 है, नो जनवरी मैम 1950। 28 जनवरी 1950, 28 होगा ओके वी मैम, डू वन थिंग, 28 जनवरी 1950। बच्चा 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 आई नो, जस्ट 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 हम ऐसे करते हैं कि आप लोग कंफर्म करके मुझे कल बताइएगा कि व्हाट इज द डेट, इज इट 26 25, जो भी आपका कैलकुलेशन है। हम देख लिया गूगल पे नहीं गूगल मैम, बताता है क्या? मैम इजिस्ट हुआ था 26 तारीख को, हाँ लागू हुआ था 28 तारीख से मैम, बराबर है आपकी बात, गूगल पे मत जाइए, आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना? 28 कन्फर्म, 28 नो नो इट इज ओके, ऑल कंफर्म, आई मैम, डोंट नो, 26 तारीख को बस आया था, एग्जिस्ट किया था आई लेकिन नो लागू बेटा, इसलिए 28 तारीख मैं से कह रही हुआ हूँ था। कि आप लोगों की कंफर्मेशन से क्या होगा, आपका लॉ भी क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए आपकी डेट जो है फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे ना, दिस इज द वे यू कैन आंसर, ओके नो, हमको गूगल की जरूरत नहीं है, हम खुद ही गूगल है, ठीक है। चल नाउ व्हाट हैपेंड इन 1950 आफ्टर द इनोग्रेशन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब क्या हो गए, वन सीजीआई प्लस 7 अदर जजेस स्टार्टेड सिटिंग ओवर देयर, ठीक है, इनकी सिटिंग बनाई गई थी वहां पे। अब उसके बाद में वहां के जो फर्स्ट जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के वो कौन थे भाई, मैं ही बता देती, नहीं मुझे लगा कलंदर साहब एक सेकंड में बोलेंगे, नहीं मैडम, याद नहीं मैडम, ठीक है ठीक है ठीक है मैं बताती हूँ। आयतुल्ला नहीं, हु वॉज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, एच सी, बताऊं आगे?
खानिया, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट, कानिया खानिया, कानिया और खानिया, के है उसका, ऐसे है, के ए एन आई ए, ऐसे ऐसे उसकी स्पेलिंग तो ऐसे है शायद, खानिया कानिया, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस कर दीजिए, ठीक है। अब करंट स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि ज्यूरिस्डिक्शन की बात, तो ज्यूरिस्डिक्शन से पहले आपको पता तो होना चाहिए कितने लोग बैठते हैं वहां पर, कौन सा जज क्या करता है वहां पर, सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर्स है, और कौन सी जज जो है, अभी हम लोगों ने जब केशवानंद भारती देखा था तो कितनी बेंच बैठी थी ये हम लोगों को पता है। उसके बाद हमारा, और उसके बाद हमने एक केस देखा था जिसके अंदर हमने देखा था कि इतने सारी जो बेंच है वो बैठती है, उसके बाद में द डिसीजन इज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ व्हाट इज द करंट सिचुएशन, 1 CJA प्लस 33 अदर जजेस, ठीक है, टोटल 33 अदर जजेस आर सिटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, तो दिस शुड बी एटलीस्ट नोन टू यू ऑल, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कुछ हार्ड एंड फास्ट बता रही नहीं हूं मैं इसके अंदर आप लोगों को। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि यस नहीं? ना, यस द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट द अल्टीमेट आर्बिटर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड ऑल्सो इंजॉयज एन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब मैं ज्यूरिसडिक्शन पॉइंट ऑफ पे आपको बाद में लेके चलूंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को हर ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताना है कि वो ज्यूरिसडिक्शन का पावर किसके पास है, वो कौन सा जज है जो सुप्रीम कोर्ट का इस पावर को सुनते हुए उस उसके ऊपर एक नोटेबल जजमेंट दे सकता है, या फिर उस आर्टिकल के अंदर, जैसे PIL हो गया, जैसे रिट हो गया, तो हम वो कैसे कर सकते हैं और उस चीज की ज्यूरिसडिक्शन कैसे बनती है, ठीक है। आई विल जस्ट कम अगेन ऑन दिस पॉइंट। इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द कंट्री एंड कैन इश्यू रिट्स फॉर एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब हमारा जब, हम क्या रिट पिटीशन कभी फाइल करते हैं, हमारा जब फंडामेंटल राइट इंफ्रेंच होता है क्या? हाँ, नो फंडामेंटल मैम, राइट नो भी, और मैम, कभी लीगल राइट भी इंफ्रेंच होता है तो। हाँ तो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट इंफ्रेंच होता है तो आप क्या फाइल करते हो सुप्रीम कोर्ट के सामने? रिट फाइल करते हैं मैम। रिट फाइल करते हैं, ऐसे मैंने सुना ना, बराबर ना? यस मैम, हाँ, करेक्ट है, ठीक है। तो अगर समझो यहाँ पर हम अपील की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपील सुनने के लिए, यस मैम, एपेलेट यस है, रिट सुन सकती है, अपील सुन सकती है, यस, ज्यूरिसडिक्शन है उनपे। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। क्यों? हाई कोर्ट के पास ऐसे मैटर्स आते हैं ना जहां पर हाई कोर्ट खुद कोर्ट बन जाती है, हमने पढ़ा है इसके अंदर यस मैम, कि यस हाई मैम, कोर्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर्ट कैन बी एक्टिंग एज अ ट्रायल कोर्ट एंड फॉर विच अपील लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट। ये तो हम लोगों ने जब यस सीपीसी पढ़ा था तो मैंने ज्यूरिसडिक्शन मैम, पॉइंट ऑफ यस व्यू पे मैम, आपको क्लियर किया किया था कि ये ज्यूरिसडिक्शन इसके पार्ट में आती है, ये ज्यूरिसडिक्शन इनके पास जाती है, ठीक है। आप नहीं पता है तो वो अपील का एक चार्ट है मेरा, उसको देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि विच अपील लाइज टू वेयर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है, ये भी एक मैम बार। सेक्शन 6 वो क्या कहते हैं, CRPC, करेक्ट, 42, 43, 41। वेरी ब्यूटीफुल, किसने बोला एक्चुअली? अंकित श्रीवास्तव। अच्छा अंकित, यू आर एन LLB स्टूडेंट और लॉयर? यस मैम, मैम बहुत, यू लॉयर कैन एज से वेल बहुत। एज LLB स्टूडेंट, एंड फ्रॉम वेयर यू आर, यू आर फ्रॉम वेयर, मैम विच आई एम सिटी, ए क्लासमेट ऑफ विक्की मौर्य। यू आर क्लासमेट ऑफ एक्चुअली विक्की? आई वाज विक्की, योर स्टूडेंट। यस यस ओ वाओ, दैट्स नाइस। विक्की मैम, पहले अंकित क्लास कर चुका है, इसमें छोड़ दिया था। अच्छा, अंकित क्लास कर ये चुका है, अंकिता है, अंकिता अंकिता है है ना मैम, मैम, अंकिता अंकिता है। है मैम रेगुलर करूंगा, मैम रेगुलर करूंगा मैं क्लास अब। अंकित, आप वही हो? ओके, नाउ आई गॉट यू कि अंकित कौन हाँ है। मैम, यस वही है, मैम, वही है, ये पहले हाँ क्लास मैम, छोड़ ये वही दिया अंकित था। है, ये वही अंकित है। यस मैम, ये ब्रांड न्यू होके आया है अंकित, नाउ यस गुड। यस मैम, आई बिल्कुल ब्रांड अप्रिशिएट न्यू है योर ये। एफर्ट्स एंड आई अप्रिशिएट ऑन अ लॉ पॉइंट, जो आप मुझे बोल रहे हो ना, अप्रिशिएटेड, अच्छा लग रहा है सुन के मुझे। मैम इट्स अबाउट ऑल इट्स मैम, ये सब अबाउट, आपके वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है बाबा, बिकॉज मैम तो आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, तो डोंट गिव मी एनी क्रेडिट एंड आई डोंट नहीं डिजर्व कर इट रहा, बट ऑल्सो। ये कहना है ना, एक क्यूरियोसिटी देके करा कि मैम ने जैसे पढ़ाया वैसे पढ़ना है, इस वजह से ऐसा हुआ है। वो तो आप मुझे अभी खुश मत कीजिए आप इतना। इट्स ओके ना, मैम, थैंक यू, बट ये आपका है, मेरा नहीं, ठीक है। चलिए आगे थैंक यू बढ़ते मैम। हैं विदाउट
इट कैन हियर एन अपील्स फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द कंट्री एंड कैन इशू रिट फॉर एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स. देर इज दस अ गुड डील ऑफ ट्रूथ एंड असर्टेशन दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज वाइडर पावर्स देन द हाइएस्ट कोर्ट इन एनी अदर फेडरेशन. नहीं, चलो मैं आप लोगों को एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ कि इस चीज को लेकर क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठते हैं उनकी क्राइटेरिया क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो कैसे बनते हैं सुप्रीम कोर्ट, खुद ही बन जाते हैं क्या, उनके पास यहाँ पर हाईएस्ट पावर्स दिए मैम गए वो हैं, इंडियन होने चाहिए, उनपे विल सिटीजन बी होने कॉल्ड. चाहिए इंडिया के, ऐसा बोलिए हाँ, आप, और 65 ईयर्स के होने चाहिए, 35 ये एज प्लस बोलिए, होना चाहिए. मैम 65 बेटा, बिलो 65 एज, 65 से हाँ वो बिलो इंडियन 65, 35 से है मैम, वो यस 65 यस यस मैम, यस, कम से कम 10 साल प्रैक्टिस चाहिए. और 10 साल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस करेक्ट. और इतना ही आता. यहाँ पर ऐसा है क्या, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर सकते हैं? यस मैम, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. हाँ, इसको हम कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं, जरा मुझे सुनाना, तो कलंदर साहब को सुनाएंगे हम. इसको हम कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं बताओ, आर्टिकल 124. हाँ कलंदर साहब, मैं आपको आर्टिकल के तरफ खींच के लेके आती हूँ, ठीक है, अच्छी बात है. मैम चलिए आप खुश मतलब मैं खुश. चल, देयर एग्जिस्ट अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, ठीक है ना, यहाँ पर ये भी है, हाई कोर्ट में जो जुरिसडिक्शन होती है. लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूं कि अगर मैंने 124 के लिए कहा तो 124 का वन क्या बोलता है, स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, बिफोर आई गो टू 124 से आगे जाऊं मैं, तो थोड़ा यहाँ पे तो बता के जाना ही चाहिए मुझे. 34 हाँ, टोटल जजेस, 34 तो 1 CJI + 33. यस मैम. यस, तो वो कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग कलंदर साहब, 124 के वन में, 124 के 1 में, ठीक है. उसके बाद अगर मैं कहूँ 124 1 आई तो 2 क्यों छोड़ू मैं, है ना, मुझे ये भी तो बताना चाहिए आप लोगों को, है ना. वन फोर 124 अगर हमने 1 देख लिया तो ऑफ कोर्स हमको 2 भी तो पता होना चाहिए ना. हाँ, तो 124 के 2 में हम क्या पढ़ते हैं कलंदर साहब, बताइए. नहीं, सीजीआई को कौन अपॉइंट करता है, चलिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ. एनीवेज, प्रेसिडेंट. यस, तो आप 124 के 2 के अंदर जो सीजीआई है उसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, है ना. प्रेसिडेंट सकता है, मगर कोलिजियम में सेलेक्ट होना है. हाँ, कॉलेजियन सिस्टम की तो बात ही मत करो, मुझे तो यहाँ पर टेंशन आ जाएगा कि अभी कॉलेजियन सिस्टम आ गया, और ये कॉलेजियन सिस्टम क्या होता है, बाप बड़ाना भैया, तू मेरा बेटा सबसे तो तेरी तो बड़ा तेरी सी. रुपया. वही यस मैम. आज सुप्रीम कोर्ट में 60% वैसा ही है, उनके पास पड़े साले इन्हें, इनके पड़े साले उन्हों, उनके बेटे इन्हों, इनके बेटे इन्हों है. करेक्ट हाँ करेक्ट वही है, करेक्ट. सब लोग इसीलिए तो वही. मैंने आपसे ये पूछा कि 124 2 में इसको पढ़ा है आपने. मैडम क्या हो गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी फैमिली के हाथ में है, बस कोई दूसरा कोई वहां जा ही नहीं सकता, वैसा हो गया. वही तो है ना कि कॉलेजियन सिस्टम के कारण ही तो आज हमारी इंडिया में जो रेकमेंडेशन होती है, रेफरेंस दिया जाता है, वहीं तो हम खत्म होते हैं ना, सारी चीजें वहीं खत्म हो जाती है ना, कॉलेजियन सिस्टम आकर कि आपका बेटा है क्या, चलिए रेफर कर दूंगे, यस है ना. और विदाउट मेकिंग अ स्टेटमेंट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, विद ड्यू रिस्पेक्ट से मैं एक बात कहने की कोशिश करूं कि अभी हमारे जो प्रेजेंट सीआई हैं, सीजेआई जो हमारे बैठे हैं, डी वाई चंद्रचूड़ जी, यस इनके फादर मैम, जो थे वो फादर भी सीजे थे, भी, उनके फादर जो थे. बहुत दिनों तक बहुत हाँ सीजे थे हाँ उनके. हाँ मैम, ये तो मोनार्की हो गया ना फिर तो. तो मैं तो क्या मोनार्की, बोल रही यस हूँ, दिस इज अमेरिकन यस सिस्टम ओनली मोनार्की. ना,
दिस इज व्हाट आई एम कन्वेइंग टू यू ऑल ना. मैं तो कुछ चीजें ऐसे इसमें बोल लेती हूँ, लेकिन कैच आप करिए ना, करिए ना इसको अमेरिका कैच. अमेरिका में तो सीजीए को रिटायरमेंट ही नहीं है। है ही नहीं वहां पे तो रिटायरमेंट, वो इसके लिए तो मोनार्की है ना, वहां पे उनको है ही नहीं ना. मैम उनकी आजकल जो तो कहीं कहीं उनका इंटर्नशिप करने के लिए आप है बोल रहा ना, है, कहाँ सुनिए से सुनिए, किसकी रेफरेंस आप से आया सुनिए ना, एक मिनट विकी, मैं आपको एक एक सेकंड के लिए मैं वापस आपके पास आती हूँ, वापस आती हूँ आपके पास, जस्ट अ मिनट. हाँ कहाँ गया वो जज यार, अमेरिका का कौन है, यूएसए का. उस है? जज ने ना यहाँ पर बहुत अच्छी एक ओपिनियन दी थी. हाँ, जस्टिस डॉगलस. डोंगला यू हियर दिस जस्टिस डॉगलस का, कि वो, मैं आप लोगों को सॉरी वापस इधर दूसरी जगह लेके आई हूँ. जस्टिस डॉगलस ने जो प्रेसिडेंट को लेकर और जो इंफॉर्मेशन इन लोगों की प्रोवाइड करी है ना, कि कैसे जजेस कैसे एक्ट करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या पावर है, अपॉइंटमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या, आप इनको देखिए ना, इनको देखिए, ये आपको क्लियर कट बताएंगे. आई कैन मेक श्योर ही विल क्लियरली टेल यू ऑल. ये जो सिस्टम है ना, जो ड्यूअल सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, जिसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, जो आप कॉलेजियन सिस्टम को बोल रहे हो ना, तो अमेरिका का सिस्टम देखो कैसा है, और इंडियन सिस्टम जो देखो कैसा है. भले ही हमने 1935 को कॉपी किया है, लेकिन हमने जो कुछ चीजें अपने आप मैनेज करने की कोशिश करी है ना, उसको लेकर ही हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. ठीक है, समझा, एनी डिफिकल्टी.